हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन हो गए हैं जब से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, इसके रिगार्डिंग मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं फिर से अब उपस्थित हूं आपके साथ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ माइंड टेक के बारे में। छोटी कंपनी है लेकिन जिस इंडस्ट्री को सर्व कर रही है और जो काम कर रही है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी वैसे किस इंडस्ट्री को सर्व करती है या फिर काम किस तरह का करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए इंडस्ट्री के ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कंपनी जिस भी इंडस्ट्री को सर्व कर रही है वो सभी हाई परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज हैं। जैसे कि जो पहला है वो मेडिकल डिवाइस एंड हेल्थ केयर। मैंने मेडिकल डिवाइस सेगमेंट पे अपने ट्विटर हैंडल पे कुछ जो है कि बातें डाल रखी थी, आपको जाके उसे पढ़ना चाहिए। एक वीडियो भी बनाया था मैंने मेडिकल डिवाइस से संबंधित और बताया था कि उसमें कितनी ग्रोथ होने की संभावना है 2030 तक। और जो दूसरा इसका इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री को सर्विस देती है वो है लाइफ साइंस एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और तीसरी जो है वो है सेमीकंडक्टर, जो कि आने वाले समय का सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडस्ट्रीज होने वाली है। और एक है डाटा स्टोरेज और पांचवा है गवर्नमेंट। तो हमें गवर्नमेंट से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो चारों इंडस्ट्रीज हैं ये बहुत बेहद ही खास होने वाली हैं, ये बात आप याद रखना दोस्तों। और अगर हम कुछ बातों को नोट करें तो इसमें क्या काम करती है, इनकी टेक्नोलॉजी क्या क्या है, तो इसके बारे में ज़रा सा बातें कर लेते हैं। पहली जो टेक्नोलॉजी है इनकी, इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसे कि हम IoT कहते हैं। दूसरी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ESA यानी एम्बेडेड सिस्टम एंड एप्लीकेशन। और तीसरी आपको दिखाई देगी इंटरप्राइज एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, मोबिलिटी एंड क्लाउड, बिग डाटा एनालिटिक, डेटा एनालिटिक्स और IT सिक्योरिटी। तो दोस्तों, ये तो हो गई टेक्नोलॉजी इस कंपनी की। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो ये इस तरह की सर्विस देते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जैसे कि ये सर्टिफिकेशन का भी काम करते हैं, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग एंड सस्टेंस का भी काम करते हैं, डेटा सेंटर ट्रांसफॉर्मेशन और IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का काम करते हैं, एप्लीकेशन मैनेजमेंट का काम करते हैं, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आपने ये देख लिया जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ें बता दिया। दोस्तों, एक बार इसकी वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें। आपको इस साइट पे चलते हुए कुछ ना कुछ चीज़ें दिख जाएगी, आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चलते हुए चलचित्र में आपको ये चीज़ें दिखने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ स्टाइल सर्विस। उसी के साथ अगर हम इस पर एक्सप्लोर मोर पे करेंगे तो और भी चीज़ें देखने वाली है। जैसे कि आप देखेंगे कि क्या क्या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में ये काम करने वाली है, इस तरह की चीज़ें आपको जनरली दिख जाएगी। अब हम अगर और चीज़ों की बात कर लें, जैसे कि अगर यहाँ पे भी आपको चीज़ें दिख जाएगी अगर आप इसको एक्सप्लोर करते हैं तो कंपनी क्या काम करती है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये तो हो गया मोटा मोटी काम जो कंपनी करती है। अब हम चलते हैं सीधे सीधे उस वाक्य पे जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, बात करेंगे कंपनी के भविष्य के बारे में। दोस्तों, माइंड टेक के बेसिक जानकारी पे हम आ गए हैं। जैसे कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 825 करोड़ रुपए, प्राइस 325 रुपए, 352 का हाई है, 112 का लो है। ये 52 वीक का हाई और लो होता है। ROC ROE में हमें शिकायत कोई दिख नहीं रही है। डेट न के बराबर है, मतलब डेट है नहीं, फेस वैल्यू 10 है और पेग रेशियो के हिसाब से यह स्टॉक महंगा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वहीं स्टॉक पी के हिसाब से देखें तो यह अभी भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। दोस्तों, कंपनी क्या काम करती है वो तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अब हम चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। ध्यान रहे, इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो 17 मई को आने वाला है, लेकिन मैंने पहले ही इस पे वीडियो बनाया है। इसके पीछे रीजन है कि स्टॉक आप देखेंगे कि कुछ दिनों से भाग रहा है और बहुत जल्द ही 175 का स्टॉक इस प्राइस पे चला आया है। क्या रीजन है उसके पीछे जानते हैं। वो रीजन मैंने बता दिया, डेटा और साथ में
सेमीकंडक्टर। अगर हम बात करें और मेडिकल डिवाइस, ये तीन थीम जो है कि इस कंपनी की बेहद ही खास है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 20 में 72 करोड़ की ये कंपनी सेल्स कर पा रही थी, अभी 95 करोड़ की सेल्स कर पा रही है। लेकिन वहीं नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट कभी 1.45 हुआ करता था, सीआर अभी 7.19 है, यानी कुल मिला जुलाकर 6 गुना हो गया है इसका नेट प्रॉफिट। अगर हम यहीं, ये तो हो गया क्वार्टरली रिजल्ट। अगर हम ईयरली रिजल्ट की बात कर लें तो ईयरली रिजल्ट में भी आपको बातें ठीक ठाक समझ में आनी चाहिए। जैसे कि कंपनी का जो सेल्स है 223 करोड़ कभी हुआ करता था, हम इसको 2018 तक मॉक करते हैं, 2018 तक नहीं 2017 तक इसको अलग रखते हैं, और 2018 से अब तक की बातें को अलग रखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर हम बात कर लें कि कंपनी का नेट प्रॉफिट किस हिसाब से बढ़ा है, तो आप देखिए कि कंपनी कभी माइनस में गई है, कभी प्लस में आई है, ये बात आपको नोट करना चाहिए। यहाँ पे भी ये बातें नोट करनी चाहिए, यानी उतार चढ़ाव इसमें लगातार है। ये अप ट्रेंड में जो प्रॉफिट है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये थोड़ा सा खटक रहा है हमें। लेकिन कंपनी थोड़ी सी छोटी है तो इसमें हो सकता है उतार चढ़ाव हो, तो आपको भरोसा बनाए रखना होगा और बिजनेस को लगातार अध्ययन करना होगा। रिटर्न तो इसने अच्छा दिया है, लेकिन अभी ये करेक्ट होगा, इतना तो चांसेस आर वेरी हाई कि इसको करेक्ट होना चाहिए, और आपको यह स्टॉक कम वैल्यूएशन पे मिले तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे देखेंगे कि रिजर्व, देखिए इसका रिजर्व 177 करोड़, बोरोइंग मात्र 4 करोड़, और कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट भी 34 करोड़ का है। और हम बात कर लें इसके कैश फ्लो की, तो कंपनी के पास कैश फ्लो तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखेंगे कि 64% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, FII के पास 0.33 की होल्डिंग है, FII ने अपनी पोजीशन इंक्रीज की है, और पब्लिक के पास 33% की होल्डिंग है। क्या इसमें कोई HNI भी है, तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं कि क्या कोई इसमें कोई HNI भी है, तो आप देखेंगे कि इसमें कोई HNI भी मौजूद हैं। आप देखिए कि फर्स्ट एशियन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट एशियन जो इन्वेस्टमेंट है ये यहाँ पे देखिए, इनके पास 5.49 की % की होल्डिंग है, और जो माइंडटेक के इन्वेस्टर ट्रस्ट हैं उनके पास है 3.44% की होल्डिंग, और बैंको इफिशा एसए के पास 3.16% की होल्डिंग मौजूद है। तो कुल मिला जुलाकर अगर कहें तो स्टॉक में कोई समस्या नहीं है, अच्छा स्टॉक है, अच्छे वैल्यूएशन पे अभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो इसमें शिफ्ट कर सकते हो, और मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि आप एक साथ पूरा पैसा किसी भी स्टॉक में लगा दें, जब तक कि आपको 100% भरोसा ना हो कि मैं अभी पूरा पैसा रहता तो इसमें पूरा पैसा झोंक देते। हाँ, बशर्ते आपको भावनाओं में बाकी डिसीजन नहीं लेना है, आपको पता होना चाहिए कि मैं यह निर्णय क्यों ले रहा हूँ। जब तक आपको यह पता नहीं होगा आप गलत निर्णय ले लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, निर्णय आपको लेना है। कोई भी अगर आपको दुविधा प्रतीत होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये रहा माइंडटेक इंडिया लिमिटेड, जो फ्यूचरिस्टिक थीम है ना उस पर आप पैसा लगाइए तो पैसा तो जरूर बनेगा। तो दोस्तों, ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।